सो वेलकम टू आवर चैनल राबिया की फैमिली। और आज मेरी फैमिली जो है बहुत सारे काम करने वाली है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसका एक व्लॉग बनाते हैं। सबसे पहले तो मेरे क्लोजेट में ये देखो, ये सारे मेरे हैंगर्स जो यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो में ना पता नहीं अच्छी क्वालिटी की लकड़ी थी या नहीं थी, तो दीमक जैसी लग जाती है, तो वो हो गया था। तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम लोगों ने सारे हैंगर्स निकाल दिए। तो ये काम मेरी बहनें करेगी, ठीक है। फिलहाल आज का व्लॉग शुरू करते हैं, आप देख लेना कि वो लोग ये सारे काम कैसे करते हैं, और उसके बाद में वो लोग क्या करने वाले वो लोग भी आपको दिखाएंगे। वो लोग कौन लोग? मेरी बहनें, मेरे भाई, बाकी की जितनी मेरी पूरी फैमिली है, इसलिए मेरे चैनल का नाम दिया है राबिया की फैमिली, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे आज के दिन से और हमारे आज के व्लॉग से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को लग रहा होगा इसे देख के कि हम लोग इसे बेचने निकले हैं, एक का दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारे जो हैंगर्स थे, हम लोग को लग रहा है कि दीमक लग गई है, ये एक आध पे लगी थी। हाँ। लेकिन इतने सारे हम लोग इसीलिए निकाले क्योंकि ये दीमक फैलती है, जैसे नेगेटिव लोग फैलते हैं ना, वैसे दीमक फैलती है। तो ये फैलाना नहीं है, इसको वहीं स्टॉप करना है। कैसा करेंगे? और आप लोग भी बताओ, आप लोग कैसा करते हो? दीमक अगर आप लोग के घर में होता है तो आप लोग क्या करते हो? हम लोग तो ये यूज कर रहे हैं, टर्मिगाइट। दुश्मनों सब होशियार। लेकिन याद रखना, कभी भी ध्यान देना, ये बच्चे लोग के सामने नहीं करना, बहुत अलग ही गैस होता है इसका। एक्चुअली हम लोग को बहुत लेट हो रहा है, हम लोग को नीचे जाके ना कुकिंग भी करना है। थोड़ा मम्मी की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी खराब है, तो नहीं, कभी कभी मम्मी को रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट भी देना चाहिए। पापा का इंट्रो चल रहा था और हम लोग बीच में ऐसे निकल रहे थे, इसलिए हम लोग बहुत साइलेंटली आए, ठीक है। तो देख लो हमारी किचन की क्या हालत है। अभी हम लोग को इसको सबसे पहला तो क्लीन करना है, सबसे पहला हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करना है, यस। घर का काम कुछ नहीं है अगर जब तक आप मैनेज करना नहीं सीखो, समझे? अगर आपने मैनेज कर लिए कौन सा काम कब करना है, अभी ये सब में अगर हम लोग सब छोड़ के अगर खाना पकाने खड़े हो गए तो भी हमारा काम होगा, लेकिन ये सब साइड करके मीन माइल को खाने की तैयारी कर रहा है, कोई बर्तन की तैयारी कर रहा है, तो वो फटाफट रहेगा, ठीक है। तो मैनेज करना आना चाहिए। हाउस वाइफ लोग क्या करती है? कुछ नहीं, प्लानिंग करती है, प्लानिंग। हाउस वाइफ के पास कोई टाइम टेबल नहीं होता है क्योंकि वो टाइम टेबल से चलती ही नहीं, उसका अपना दिमाग में अपना टाइम टेबल होता है, समझे? कौन से टाइम पर मेड आएगी, कौन से टाइम पर कपड़ा लगेगा। अब देखो हमारा काउंटर हो गया क्लीन, चकाचक, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ उठा के यहाँ रख दिए। ये खाली रहेगा ना तो पकाने चलेगा, है कि नहीं? गंदे की में इसमें नहीं होएगा, कुछ आसान सा ही बनाएंगे। चावल और चिकन आलू का सालन बनाएंगे। मैं कुछ हेल्प कर दूँ? मेरी मीटिंग है तो मैं घर पे ही हूँ, ठीक है, तो कुछ है काम तो दे दो। बहुत काम है बेटा, बहुत। हाँ तो दे दो ना, मैं हेल्प कर दूंगा। अभी हमारे साथ वीडियो में जुड़ी रहिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमारे घर में मतलब क्या क्या मसाले डाले जाते हैं। सबके अलग अलग मसाले होते हैं, जैसे हमारे घर का अलग स्पेशल यूनिक है थोड़ा। अब आप मेरे हिसाब से तो मैं पूरा अपना इनपुट दे रहा हूँ, उसमें भी लोग मेरे को ऐसा करते हैं। पहली बात तो अगर कर रहा है तो बेटा कोई एहसान नहीं कर रहा है ना, मम्मी रोज करते वो काम, हम लोग लेडीज लोग तो रोज करते, नहीं सुनाते कि आज आलू मैं छीली, आज प्याज मैं छीली। मम्मी गरम मसाला है एवरेस्ट का, दे दो चिकन मसाला भी है, एवरेस्ट का भी है, कौन सा चीज़ जो भी है दे दो, चिकन मसाला ही दे दो ना, चिकन का। पहले मैं देख लूँ घर में खाना क्या बन रहा है, और घर में खाना बहुत टेस्टी बन रहा है। एक नंबर बन रहा है, देखो ना, मजा आ जाएगा। कितने बजे लग रहा है खाना? टाइम कितना हो रहा है? 2:05 का, मैं 5 मिनट में लगा दो, 2 बजे खा लेंगे, 2:30 तक बन जाए। यार ला भाई चाय वाला। टमाटर लेकिन अभी सस्ता हो गया बाबा, बहुत महंगा था टमाटर। हाउस वाइफ लोग ऐसी करते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं टोप में, नहीं लेते अलग से प्लेट, ये सब दिखाने की बात है कि प्लेट ले रहे, प्लेट में काट के सजा के रख रहे, इतना टाइम होता ही नहीं हम लोग के पास कि सजावट के लिए दिखाए, समझे? ये टाइम बचता भी और हमारा वो प्लेट जो है वो भी बच गई ढूंढने से। लेकिन
आप लोग सावधान रहे, अगर आप नए नए किचन में हो तो काट के ले लेना। ये दानों की मैगी बनके तैयार हो गई है, ये ले खाओ। दानों को चाहिए येलो वाली मैगी, मतलब मैगी वाली मैगी, और हम लोग ने बना दी यिप्पी। उसको ऑरेंज येलो है दोनों भी नूडल्स, लेकिन उसको चाहिए येलो वाली मैगी। मुझे ना उधर से वो व्हाइट वाला फ्रिज है ना, वो उसमें से निकाल के दे दीजिए, बड़ा वाला सॉस उसमें डाल दीजिए। शॉक्स सॉस को शॉक्स बोलता है, शॉक्स माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाना खाने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है। मैं लड्डू खाने जा रहा हूँ। मेरे को भी चाहिए लड्डू। लड्डू लड्डू नहीं, रुक सकता। मैं मीनू। हाय काम का लड्डू लेके जा मीनू। हाँ, और लड्डू उसको खिला दे, हड्डी तू खा ले। खाने के बाद लड्डू का मजा ही कुछ और है, और ये मोतीचूर का लड्डू का तो कोई ही नहीं है। बहुत कस के नींद आ रही है एकदम, सब लोग थक गए अपना अपना काम करके, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा मज़ा करने के लिए, थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए सोच रहे कुछ गेम खेले। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। आओ शुरू करें।